बेंजाइल लग रहा है ना इसमें ऊपर, बेंजाइल नहीं फिनाइल, उसे फिनाइल बोलते हैं, हाई फिनाइल। फिफ्थ में इट इज CH3, जरा सब लोग देख लो पहले कैसे करने हैं। CH3 मैंने ये वाला लिखा, CH2 दो बार, इट मीन्स लॉन्ग चेन, दो कार्बन की चेन बड़ी हो गई है। फिर एक कार्बन है जिसके साथ ब्रैकेट में कुछ लगाया गया है, इसका मतलब एक C6H5 ऊपर, एक C6H5 नीचे, और फिर हमारे पास है CH3, यानी कार्बन के सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं। अब ये जो C6H5 है, ये तो 6 कार्बन एक साथ लिख दे, तो आपने ध्यान रखना है C6H5 इज बेसिकली फिनाइल। बेंजीन को जब किसी के ऊपर ब्रांच की तरह लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं फिनाइल, दिस इज नेम्ड एज फिनाइल। ये ध्यान रखना है C6H5 कहीं पे भी लगा हो तो ये बेंजीन है। अब आप मुझे 6 स्ट्रक्चर को बना के बताओ। 6 इज कार्बन विथ C6H5 होल 4। बनाओ जरा इसको, कैसे बनाओगे ये? तो मैं आसान चलो फिर एक और बना। सेवेंथ भी बना दिए? यस मैम। जो 7 बहुत है। ये बना गर्ल्स, एक कार्बन पे क्या करूं आगे बताइए? चार फिनाइल लगे हुए, वेरी गुड। समझ आ रहा है सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट? और अब आपको रोज लिख सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना बेटा आपको। और ये डिब्बे ना सुंदर ही बनने चाहिए। प्रैक्टिस क्या करो, आप जब इधर उधर लिखते हो ना कुछ, जैसे फ्री बैठे होते हैं तो कॉपी के पीछे कीड़े में कीड़े लिख रहे होते हैं इधर उधर की चीजें, तो ये बनाया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए, आपसे सुंदर ही बने। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है क्या जिसको बेंजीन न बनानी आती हो। और नेक्स्ट देखते हैं जरा। अब आपके पास है CCl3, इसका मतलब एक कार्बन पे 3 क्लोरीन, ठीक है। फिर उसके पास C पे H, ये भी समझ आ गया था। फिर दो बेंजीन रिंग आपने लगाए तो ये आपके पास थे 2 बेंजीन रिंग्स, ठीक है जी, समझ आ गया? हाँ जी। मतलब दोबारा बोलो। मैंने ये ऐसे किया, कार्बन को चार लगाकर मैंने दो तरफ तो लिख दिया C6H5, ठीक है, और एक तरफ H लिख दिया, ठीक है, इधर CCl3। हाँ लिख सकते हो, वही है, सेम ही है, सिर्फ इतना कि मैंने CCl3 को जरा ओपन अप कर दिया। मैंने इसको पता है सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और बेटा ये आपके पास था बॉन्ड लाइन म्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से अब हमारे पास 10 मिनट के करीब है। हाँ अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरे ख्याल से अब बेसिक्स आपको अच्छे से आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किन्स। जल्दी जाओ, ये लेके नहीं आया था आपके लिए पानी। Now we have nomenclature of alkanes. जब हम किसी भी कंपाउंड में nomenclature की बात करते हैं तो nomenclature of alkanes में या nomenclature of organic compounds में किसी भी नाम में एक वर्ड रूट होता है। There is one वर्ड रूट, उसके पीछे हम एक सुफिक्स लगाते हैं दैट इज सरनेम, और एक प्रीफिक्स लगाते हैं जो उसके ऊपर अटैच्ड होता है। किसी भी नाम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं नॉमेनक्लेचर में, वी हैव वन वर्ड रूट, सुफिक्स जो उसके पीछे लिखा जाता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। ऐसे सुफिक्स जो है वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सुफिक्स और एक है सेकेंडरी सुफिक्स। मैं इसको फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री भी कह सकते हैं? नहीं बेटा, वो अलग चीज है। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। वर्ड रूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। प्राइमरी सुफिक्स का मतलब होता है एन, दैट मीन्स ऑल सिंगल बॉन्ड्स। एन लगा सकते हैं, दैट मीन्स अ डबल बॉन्ड, और आयन का मतलब है और ट्रिपल बॉन्ड इज देयर। प्राइमरी सुफिक्स हमारे पास तीन है, एन ईन आयन, और सेकेंडरी सुफिक्स का मीनिंग होता है फंक्शनल ग्रुप, जैसे एसिड है, अल्कोहल है, तो आप कहोगे ये फंक्शनल ग्रुप्स के लिए दिया गया था। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब है नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बताएगा कि कंपाउंड की नेचर क्या है, लाइक साइक्लिक और बाईसाइक्लिक और स्पायरो। तो हम कहेंगे बाईसाइक्लो है, साइक्लो है या स्पायरो है, ये बताया जा सकता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है ब्रांचेस और फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप्स अदर देन मेन सेकेंडरी सुफिक्स। यानी किसी भी कंपाउंड के नाम से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये सब कुछ बता जा रहा है। वर्ड रूट का मतलब आपका अपना नाम, ठीक है? ठीक है, जैसे मान लो हम कहते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग में हम अपने नाम को लिखते हैं, जैसे माय नेम इज सोनिया महाजन, तो सोनिया इज माय नेम,
महाजन इज नॉट माई नेम, महाजन क्या होगा सरनेम, वो हमारा सुफिक्स होता है। तो हम अपने नाम में सिर्फ दो ही चीजें लिखते हैं, हम अपने नाम में सिर्फ दो ही चीजें लिखते हैं, एक अपना नाम लिखते हैं और एक सुफिक्स लिखते हैं। लेकिन अगर आप किसी साउथ इंडियन का नाम पूछो तो इतना लंबा सा नाम बता देगा आपको, क्योंकि वो कैसे लिखते हैं, वो पहले अपना नाम बताते हैं, फिर अपने फादर का नाम बताते हैं, फिर उसके बाद अपने दादा का नाम बताते हैं और फिर जाके नाम खत्म होता है। मैं ऐसा क्यों होता है? ये रूल्स हैं, अपने अपने सिस्टम्स हैं, अपने अपने सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। हम अपने हाँ जी फिल्मों में कई बार देखा है वो नाम ही बताता रहता है। हाँ करेक्ट, वही वही सिस्टम की बात कर रहे हैं। सेम वे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में वो सब कुछ लिखना चाहते हैं। देखो नाम से ना आप किसी को पहचानते हो, नाम जो है किसी इंसान की पहचान होती है, इसीलिए हम अपने सरनेम को लगाने के बाद वी फील इधर वेरी प्राउड। तो साउथ इंडियन अपने साथ फादर का नाम लिखाते हैं, इसका मतलब है दे आर शोइंग कि हम इस खानदान से इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो जो उसके फादर को जानता होगा, जो उसके दादा को जानता होगा, वो भी उसको पहचान जाएगा कि हाँ ये उनका बेटा है या उनका पोता है। ठीक है, तो ये अपनी पहचान को आइडेंटिफिकेशन दी जा रही है कि मुझे कोई नहीं जानता लेकिन मेरे पापा को जानता है, मेरे दादा को जानता है, तो मैं उनके नाम से भी पहचान पा सकता हूँ। सेम इज द केस हियर। अब हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को इतना अच्छा लिखना चाहते हैं कि नाम पढ़ के इसके बारे में सब कुछ पता चल जाए। वही व्हाट वी वांट टू ट्राई, व्हाट वी वांट टू डू हियर इज कि हम चाहते हैं कि नाम लिखा है तो नाम से आपको पता चलना चाहिए कितने कार्बन का कंपाउंड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है या नहीं है, कोई ब्रांच तो नहीं लगी है, कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ कोई और अटैचमेंट तो नहीं है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जानी चाहिए, यानी सिर्फ नाम से ही सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और अगर नाम गलत हुआ इसका मतलब आपका पूरा कंपाउंड ही गलत हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट क्या था, वर्ड रूट। वर्ड रूट से हमें ये पता चलता है कि उस कार्बन कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन यानी कितने कार्बन की चेन है ये पार्ट। सुफिक्स से ये पता चल जाएगा, मान लो मैंने आपसे बोला पेंटेन, तो आपको इतना पता है ना कि पेंटेन, पेंटेन का मतलब पांच कार्बन और एन का मतलब है सारे सिंगल बॉन्ड्स। तो आप स्ट्रक्चर बना देते हो पेंटेन का, पांच कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड्स, सी 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 पांच कार्बन सब में सिंगल बॉन्ड लगाए तो आपका स्ट्रक्चर बन भी गया। तो ये आपको बताएगा कि आपका कंपाउंड कैसा है, उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, कैसे बॉन्ड्स है। अब मैंने आपको कहा कि ये ना पेंटेनॉल है, पेंटेनॉल का मतलब उसमें एक अल्कोहल है, तो नाम से समझ आना चाहिए कि इसके ऊपर एक अल्कोहल यानी OH ग्रुप लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर आपसे मैं कहूं कि उस कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बोला साइक्लोप्रोपेन, तो आपको समझ आ गया ना कि ये साइक्लिक है और तीन कार्बन का रिंग है, तो साइक्लोप्रोपेन इज क्लियर। ऐसे ही उसमें ब्रांचेस लगी है, ब्रांचेस का मतलब है मान लेते हैं कि एक कंपाउंड ऐसा हो उसमें एसिड भी लगा हुआ है और एल्कोहल भी, तो अब दो सुफिक्स तो नहीं लगा सकते ना, सेकेंडरी सुफिक्स तो कोई एक ही हो सकता था। तो अब हम कहेंगे कि सरनेम तो किसी का एक ही होता है, जैसे मान लो आपकी मदर का सरनेम अलग हो और जैसे इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है, तो अगर आप दोनों के सरनेम लिखना चाहते हो, मदर का भी और फादर का भी, तो आपको कोई रूल तो कोई ना कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना कि फर्स्ट राइट योर मदर सरनेम, देन योर नेम, देन फादर्स नेम। ऐसा एक सिस्टम बनाया गया, हम कह रहे हैं जब दो फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं तो क्या करेंगे, तो दो फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे हम क्या करेंगे, उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होगा जिसकी इंपॉर्टेंस हमें ज्यादा लगती है उसको हम पीछे रख देंगे लास्ट में, और जो उसके बाद अनइम्पॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। वो तो हम ह्यूमन बींग्स ने कोई रूल बनाया नहीं था, अभी तक सिस्टम बनाया ही नहीं उन्होंने, है ना। उसने अपने मदर्स, उसने अपने पेरेंट्स वाला सरनेम वैसे रहने दिया और अपने हस्बैंड वाला सरनेम लास्ट में लिख दिया सुफिक्स बना के, तो ये उसका सेकेंडरी सुफिक्स अब खान हो गया, उसका प्राइमरी सुफिक्स कुपी कपूर हो गया, करीना उसका अपना नाम हो गया ऐसे। ठीक है, अब अगर वो सोचे कि मैंने एक और कोई खास क्वालिटी, लेट सपोज वो डॉक्टर बन जाती है, पीएचडी कर लेती है, तो डॉक्टर कहाँ लिखेगी, तो यहाँ लिख देगी वर्ड रूट से पहले डॉक्टर करीना कपूर खान ऐसे बन जाएगी। हाँ, तो जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो उसके आगे डॉक्टर लग जाएगा, राइट, समझ आ गया। यस। अब ये हमारा पूरा सिस्टम है जिसको हम ओबे करेंगे या फॉलो करेंगे, समझ आ गया सबको अच्छी तरह से, दोबारा से देख लो।
प्रीफिक्स मतलब जो पहले लिखा जाएगा, सुफिक्स मतलब जो बाद में लिखा जाएगा। अब हम जरा वर्ड रूट देखते हैं क्या होता है। अब एक एक चीज को पढ़ के देख लेते हैं। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ वर्ड रूट। वर्ड रूट आपने पहले भी किए हुए हैं। एक कार्बन, इसका मतलब मिथ। टू कार्बन के लिए क्या यूज करते थे? एथ। थ्री कार्बन, इट इज प्रॉप। फोर कार्बन, बुट। फाइव कार्बन, पेंट। सिक्स कार्बन, हेक्स। सेवन कार्बन, हेक्ट। एट कार्बन, नॉन। सॉरी, एट इज ऑक्ट, नाइन इज नॉन। टेन कार्बन, डेक। नाउ इलेवन कार्बन, अनडेक। ट्वेल्व कार्बन इज डोटेक। थर्टीन कार्बन इज ट्राइडेक। अब बताओ 14 कार्बन क्या होना चाहिए? क्वाड्रेक, टेट्राहेड्रल। फोर्टीन कार्बन टेट्राहेड्रल। 15 इज पेंटाडेक। 16 कार्बन हेक्साडेक। 17 लिख सकते हो आप हेप्टाडेक। 18 कार्बन ऑक्टाडेक एंड सो ऑन करते जा सकते हो। तो खैर हमें 14-15 तक की जरूरत पड़ती है, सदा हमें जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए आप इतना भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है। अब आपके पास ये जो वर्ड रूट हम कर रहे हैं ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बताते हैं। दीज आर टेलिंग अस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्लियर, समझ आ गया सबको? चलो जी नाम लिख के देखते हैं। अगर CH4 होता तो इसका नाम आप क्या लिखते? कितने कार्बन है? 1। मिथ, ठीक है जी, समझ आया? सारे सिंगल बॉन्ड है कि कोई डबल बॉन्ड भी है? ऑल सिंगल बॉन्ड्स, इट इज एन। तो ये मिथेन है। आप बताओ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या लिखोगे? क्या लिखना चाहिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3? इथेन। हम कहेंगे नाउ इट इज इथेन। अब आप मुझे बताओ कैन यू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? प्रोपेन। लिखते जाओ। ये 8 नेम्स आप देखो, ये 8 नाम फटाफट से कंप्लीट करो कि क्या क्या आपको समझ आ रहा है। जो आप लिख रहे हो वो IUPAC नेम है। जो आप लिखने जा रहे हो दोज आर गोइंग टू बी IUPAC नॉमेनक्लेचर। फुल फॉर्म आपको बताया ना? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
इथेन आपने लिख लिया था, बताओ अगला कार्बन, अगला कंपाउंड कौन सा है? इट इज प्रोपेन. दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन. नेक्स्ट कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4. इट इज ब्यूटेन. कॉमन सिस्टम में मैं ब्रैकेट में जो लिख रही हूं वो कॉमन है. ध्यान से सुनना मेरी बात. जो मैं ब्रैकेट में लिखने जा रही हूं दैट इज द कॉमन नेम, क्योंकि इनके कुछ कॉमन नेम भी हमें याद करने पड़ते हैं. तो प्रोपेन का कॉमन नेम पहले क्या था? इट इज एन प्रोपेन. एन प्रोपेन का मतलब है नॉर्मल प्रोपेन, जो सीधा साधा नॉर्मल सा प्रोपेन है. दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटेन, क्योंकि अभी मैंने सारी सीधी चेन्स बनाई है, कोई ब्रांच नहीं लगाई, तो ये सब नॉर्मल कंपाउंड्स हैं, एन कंपाउंड्स हैं. कॉमन सिस्टम में एन ब्यूटेन. नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन आ गया. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एक्चुअल में इसका नाम क्या होना चाहिए? हेक्सेन. लेकिन कॉमन नेम क्या है इसका? एन हेक्सेन. हाँ जी बेटा, सिक्स कंपाउंड, हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अच्छा, ये 9 कार्बन है. 9 कार्बन का मतलब हुआ नोनेन, ठीक है, और एन नोनेन. नेक्स्ट इज 10 कार्बन, इट इज डेकेन, एंडेकेन और डेकेन. नेक्स्ट इज 12 कार्बन, डोडेकेन. तो ये एल्केन्स हैं. आप बताओ इनमें कौन सा सुफिक्स है और कौन सा सुफिक्स है ही नहीं? कौन सा सुफिक्स हुआ? प्राइमरी सुफिक्स हुआ ना, एन इन आइन में से कुछ भी लिख दिया तो प्राइमरी सुफिक्स. यानी इनमें प्राइमरी सुफिक्स तो है लेकिन इनपे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ, सेकेंडरी सुफिक्स उनके पास था ही नहीं. ये पॉइंट समझ आया? इनके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए इनके पास सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सुफिक्स है. ना इनके ऊपर कोई ब्रांच थी, ना आपने कोई ब्रांच लगाई, यानी ना तो इन कंपाउंड्स में कोई प्रीफिक्स था ना कोई सेकेंडरी सुफिक्स था. इतना आपने 9th-10th क्लास में किया हुआ था, कर रखा था इतना तो. ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस. अगली क्लास से हम नोमेनक्लेचर का अगला पार्ट स्टार्ट कर देंगे. जितना मैंने आज कराया इसको एक बार पढ़ के जरूर आना. देखो, कोशिश करो कि जो आज किया है उसे आज घर जाके पढ़ लिया करो, ताकि आपको अगली बार आने से पहले ये ना लगे कि मुझे पिछला ही नहीं आता तो आगे क्या आएगा. ठीक है, ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास.